आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव लालपुर गंगवारी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 14 किलोमीटर है। 4200 वोट और 12000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती गुलशद आप संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। लॉकडाउन के चलते भी ये ग्राम प्रधान के द्वारा ग्रामवासियों को काफी सहयोग किया गया है। ग्राम प्रधान गुलशदाब और सचिव सतपाल सिंह के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। चार वर्षों में किस तरह से इन्होंने गांव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी है, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के लालपुर गंगवारी ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक कितना विकास करवाया गया है और लॉकडाउन के चलते भी किस तरह से यहां लोगों की मदद की गई है, इसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान पति से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है प्रधान जी। जैसे कि 4.5 साल जो है लगभग पूरे बीत चुके हैं आपके कार्यकाल को, आपकी पत्नी के, तो क्या क्या विकास कार्य यहाँ गाँव में करवाए हैं? गाँव में नाली खोलेंगे, सीसी रोड, स्कूलों में समर सेविल, टंकी फिटिंग, फैल्स का काम, शौचालय, जो भी गाँव में विकास कार्य सब कराएंगे। आवास मिले यहाँ लोगों को? एक आवास मिला अभी हमारे ODF हो गई। केंद्र सरकार की जैसे योजनाएं जो चली हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, वो पैसा भी मिल रहा है, आपके गांव में कितना परसेंट लोगों को यहां उनका लाभ मिला है? हाँ, तो मानो 50% को मिला है किसानों को। और उज्ज्वल जो वो है गैस कनेक्शन वो भी मिले हैं, बत्ती का कनेक्शन भी मिले हैं हमारे। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लगवाई है? हाँ, कुछ लाइटें लगी हैं। अब जैसे कि सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा यहाँ पर बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं? ना ना, पंचायत घर है ना बारात घर है हमारे यहाँ। कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में कितना काम करवाया गया है? बतेरा काम कराया, कई लाख का काम हुआ, 4-5 लाख का काम हुआ। चार स्कूल है ना, एक जूनियर है, 3 प्राइमरी है, 3 गाँव। मतलब किस तरह का विकास उसमें, सौंदर्यकरण, लाइट है, पंखे लगवाए हैं और बाकी है वो टंकी लगवाई हुई, टॉयलेट ये कराया गया। अब लॉकडाउन जैसे रहा है इतने दिन तक, तो काफी गरीब लोगों को कई तरह की परेशानी यहाँ पर सामने आई होगी, तो आपकी पंचायत में ऐसे जो लोग हैं उनकी आपने किस तरह से मदद की? जैसे किसी को अनाज की जरूरत है सरकार ने भी दिया, यहाँ से 3 रोज से मदद कराई गई, 5 दिन मदद कराई गई, अपने अपने स्तर पे भी यहाँ की। जगह जगह जो लोग आए थे 23 तारीख पिछले महीने पहले, उनकी हमने सूची बना के दे दी थी। कोई यहाँ कोरोना पॉजिटिव तो नहीं? हमारे यहाँ पर कोई बीमार नहीं है कोरोना पॉजिटिव। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे आप? सरकार से मांग है, जब बजट आएगा तो गांव में तो विकास होता ही रहेगा, रोडों के लिए। मतलब फिर भी किस तरह की जो है गांव में आप समस्या ऐसी महसूस करते हैं कि जिसको चाहेंगे कि अगर सरकार की तरफ से मदद मिले कोई, या पैसा मिले तो? अस्पताल बन जाए, स्वास्थ्य केंद्र जी, और पंचायत घर बन जाए, ये गाँव के विकास के लिए है। कितने परिवार अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? आवासों के लिए कहीं 27 लोगों का तो सूची आ गई है हमारे, जो हमने नाम दे दिए और टूट करा दिए थे, उनका भी सूची आके आधार और अकाउंट नंबर ले रखे हैं। वैसे आवास के लिए तो लोग ऐसे करीब 100 के करीब बैठ जाएंगे, 3 लोग गरीब लोग हैं, मतलब लगभग 100 परिवार हैं अभी। अभी 100 परिवार ऐसे जो आवास के लिए इच्छुक हैं। कच्चे रास्ते गांव में अभी भी बाकी हैं या पूरा गांव पक्का हो गया? पूरा गांव हो गया, ऐसे 2-4 रास्ते रह गए जो नई आबादी बनी है अभी फिलहाल में, कुछ रास्ते रह गए उनमें काम, एक आज जगह काम अभी चल रहा है और आगे चल रहा है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास यहाँ इन बीते 4 सालों में प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, आवास यहाँ केवल 1 या 2 ही लोगों को मिल पाए हैं, शौचालय से गाँव पूरी तरह से ODF हो चुका है। लॉकडाउन के चलते भी यहाँ गरीबों की प्रधान द्वारा काफी मदद की गई है, आर्थिक भी और राशन वितरण को लेकर भी। इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहाँ कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन जो यहाँ अभी तक निर्मित नहीं है, जिसका होना बहुत जरूरी है, ग्राम प्रधान इसके लिए मांग रखते हैं। साथ ही जो प्रमुख मांग यहाँ रखी गई है और देखा गया है कि सार्वजनिक अस्पताल, कोई भी स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र यहाँ मौजूद नहीं है, निर्मित नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को, गांव वालों को काफी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करें अशरफ अली के साथ मनाजरीन टुडे 24।